रोजागोल्ड 20 कैप्सूल के बारे में। इसके अंदर मेनली ड्रग कौन सी होती है, एस्प्रिन 75 mg, रोजोस्टेटिन 20 mg, क्लोपिडोग्रेल 75 mg। मेनली इसका काम क्या होता है, मेनली यह बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना उसके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना उसको कम करने में काम आती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती है, हार्ट फेलियर से प्रिवेंट करती है, ब्लड क्लॉट कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून में ब्लड क्लॉट को कम करने में, थक्के को डिसॉल्व करने में हेल्प आती है। यह टैबलेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम करने में यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। मेनली इसकी डोज के बारे में जानी है, दिन में एक टैबलेट, रात को सोते समय फिक्स टाइम होता है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन अकॉर्डिंग इसकी डोज सेट करते हैं, फॉर अडल्ट यूज ओनली। ये काम कैसे करती है, इसके अंदर एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल होता है ना वो एक तरह का एंटी प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट होता है। एंटी प्लेटलेट मीन्स थक्के को जमने नहीं देता ब्लड के अंदर क्लॉट को। और रोजोस्टेटिन एक तरह का लिपिड लोअरिंग ड्रग होता है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम करता है। ये क्या करता है, प्रोड्यूस ब्लॉक, ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL। मेनली इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, साइड इफेक्ट हो सकता है नॉर्मल पेन, किसी भी प्रकार का दर्द, पेट के अंदर मसल्स पेन, डायरिया हो सकता है, नौसिया, जी करवाना, कोई भी साइड इफेक्ट लगे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके प्रिकॉशन, अल्कोहल का यूज़ ना लें ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, किडनी प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर ही इस टैबलेट को लें। थैंक यू।